तो कांग्रेस ने इनको चारों खाने चित कर दिया। राहुल गांधी जी को लोग समझते थे अमेठी से जाएंगे, वो यहाँ से आ गए। गांधी परिवार यहाँ से हमेशा रहा है, रिश्ता रहा है, दिल्ली रिश्ता रहा है। तो इंदिरा जी के पास गोली चल गई थी एक जगह, तो रायबरेली में, तो इंदिरा जी के पास जब खबर गई तो इतनी भावुक हो गई कि वो रोने लगी। जो ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, यही ठेकेदार होते थे, इन्हीं की बनाई है, रोज बनाते थे, रोज उखड़ जाती थी। चले बीजेपी जो है कदम कदम पे जादूगरी का काम करते हैं। ये रायबरेली जिला का कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ से राहुल गांधी संसदीय के चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार लोकसभा में सोनिया गांधी की जगह उन्हें टिकट दिया गया है, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद से यहाँ हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकजुट होने लगे हैं। फिलहाल आइए हम इस कार्यालय में मौजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, देखते हैं राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद से उनके अंदर कितना उत्साह बढ़ा है और क्या यहाँ की रणनीति वो बना रहे हैं और कैसे राहुल गांधी को यहाँ से जीता कर भेजेंगे। क्या राहुल गांधी के आने के बाद से यहाँ की रणनीति कितनी बदल गई है, यहाँ की राजनीति कितनी बदल गई है? देखिए, राहुल गांधी के आने से तो उत्साह कार्यकर्ताओं में हुआ ही है। गांधी परिवार यहाँ से हमेशा रहा है, रिश्ता रहा है, दिली रिश्ता रहा है और पारिवारिक रिश्ता रहा है, इसलिए गांधी परिवार से बहुत लगाव रहा है कार्यकर्ता को यहाँ। और राहुल जी आए हैं तो उनका, हमारे कार्यकर्ताओं का और उत्साह बढ़ गया है। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी के आने से यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? क्या अरे भैया, उनके आने से देश में उत्साह है और यहाँ की जनता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी चाहते थे कि यहाँ से राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारी सांसद आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा की सदस्य हो गई हैं, तो इन्हीं दो में से हम लोग डिमांड कर रहे थे। अब राहुल गांधी जी आ गए तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत उत्साह हुआ रायबरेली के लोगों में और सब प्रफुल्लित हो गए और यहाँ से इलेक्शन में ऐतिहासिक मतों से माननीय राहुल गांधी जी को जिताएंगे और जो विपक्ष में है उनकी जवानते। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी पहले अनाउंसमेंट न करके राहुल गांधी को अचानक से नामांकन वाले दिन, आखिरी दिन वो अनाउंसमेंट करती है और नामांकन दाखिल? एक्चुअली बीजेपी जो है कदम कदम पे जादूगरी का काम करते हैं। ये लोग देश को जैसे झटका दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को भी गुमराह करना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने इनको चारों खाने चित कर दिया। राहुल गांधी जी को लोग समझते थे अमेठी से जाएंगे, वो यहाँ से आ गए और जो उनके सिपाही सालार टाइप के लोग थे, जो उनके प्रतिनिधि थे, उनको अमेठी से लड़ा दिया। अच्छा, पिछले 15-20 सालों में रायबरेली की भी पॉलिटिक्स काफ़ी बदली है और देश की भी पॉलिटिक्स काफ़ी बदली है। रायबरेली में भी जो कांग्रेस में एक समय कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो आज इन दिनों बीजेपी में है, ठीक है, तो उनके ना होने से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंच सकता है इस चुनाव में और राहुल गांधी के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, वो जो लोग भाजपा में चले गए हैं, ये पार्टी से बीच में भी निकाले गए हैं, जो इस समय प्रत्याशी हैं भाजपा के, इनको कांग्रेस पार्टी से अनुशासनहीनता के मामले में निकाला गया था। किस मामले में निकाला गया, थोड़ा डिटेल? अनुशासनहीनता। क्या आरोप लगा? पार्टी के लोगों के साथ मिसबिहेव करना, पार्टी की बात ना मानना। और ये लोग पार्टी में आकर के इसके पहले कुछ नहीं थे, जो भी इनको मिला है कांग्रेस में आने के बाद मिला है, चाहे इन्होंने धन संपत्ति अर्जित किया है, चाहे राजनीतिक हैसियत इन्होंने बनाई है, तो कांग्रेस से ही बनाई है। आज जब इनको फायदा हो गया तो कांग्रेस छोड़ के चले गए। इनके जाने के बाद कांग्रेस के लोग बहुत खुश हुए कि चलो पार्टी की गंदगी साफ हुई और पार्टी में जो पार्टी के वफादार लोग हैं वो पार्टी में हैं। एक और नेता थे यहाँ, अखिलेश प्रताप सिंह, गांधी परिवार के काफ़ी क्लोज भी माने जाते थे। वो माना जाता था कि रायबरेली में अखिलेश प्रताप सिंह मतलब गांधी परिवार, ऐसा उनका उनके बारे में कहा जाता। जो अखिलेश प्रताप सिंह ने कह दिया रायबरेली में, वो गांधी परिवार मान लेता था, लेकिन उनकी बेटी अब बीजेपी में है, तो इससे क्या कांग्रेस के वोटरों पर कितना फर्क पड़ा है? क्या उनके साथ? मैं आपको बताऊं, वो कतई अखिलेश सिंह का मतलब गांधी परिवार नहीं था कि वो उन्हीं की बात मानी जाती है। कांग्रेस में चाहे माननीय सोनिया गांधी जी रही हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों या राहुल गांधी जी, ये सबसे पहले जो सबसे पीछे आदमी खड़ा रहता है, साधारण आदमी होता है, गरीब परिवार का होता है, इनका जो कमज़ोर कार्यकर्ता होता है, घर से पार्टी के लिए वफादार होता है, सबसे पहले उसकी बात सुनते हैं। अब जैसे आप ले लीजिए, हमारे चेयरमैन साहब हैं नगर पालिका के, सतवंत सोनकर जी, ठीक है, ये चुनाव लड़े नगर पालिका का,
और इसमें इनको जो लीड हुई वो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी लीड हुई। यहाँ जो विधायक हैं वो 6,000 वोट से जीती और ये 18,000 वोट से जीते। बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस से यहाँ सोनिया गांधी 4 बार सांसद रहीं, करीब 20 साल सांसद रहीं, बड़ा नाम रहा, उसमें से 10 साल ये लोग सत्ता में भी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी रायबरेली में कुछ नहीं बदला, ना यहाँ कोई एम्स बन पाया, एम्स के नाम पर केवल फर्जीवाड़ा चलता रहा, यहाँ ना कोई फैक्ट्रियाँ लगी, रेल कोच के नाम पर ये लोग खाते रहे, रेल कोच के नाम पर केवल शिलान्यास कर दिया गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ था, क्या है ये? अच्छा, हो गई ना ये बात। अब मैं अगर लोग मिले तो इनको बता दीजिएगा कि रायबरेली में चाहे इंदिरा जी ने किया हो, चाहे सोनिया गांधी जी ने किया हो, इसके अलावा रायबरेली में किसी पार्टी या किसी नेता ने नहीं किया है। अब मैं आपको गिना रहा हूँ, रायबरेली में 5-5 नेशनल हाईवे हैं, रिंग रोड है, यहाँ से जो हरित क्रांति कही जाती है सिंचाई के लिए, इंदिरा जी ने उसको शुरू किया था, यहाँ एम्स है, भाजपा ने ये जरूर किया कि 900 बेड का एम्स था, उसमें से 300 बेड उठा करके गोरखपुर उठा ले गए। सुनिए तो, रेल कोच फैक्ट्री है चल रही है, ये बीजेपी ने नहीं बनवाया, ना इंदिरा, ये सोनिया जी का शिलान्यास किया हुआ है, सोनिया जी ने किया था, बनवाया नहीं, बीजेपी ने, कह तो रहे बीजेपी ने 900 बेड को 600 कर दिया, क्या नहीं, आप और तो सुन लीजिए, रेल कोच है, एनटीपीसी है, आईटीआई फैक्ट्री है, निफ्ट है, FDTI है, उड़ान एकेडमी है, एयर का इसका उड़ान एकेडमी, इसका यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, आप पूरे यूपी में एक जिला ऐसा नहीं बता सकते हैं जहाँ पे इतनी सब चीज़ें हों, और ये सब कांग्रेस की हुई। लेकिन ये अभी हम आ रहे थे तो देखे, सड़कें तो उतनी खास नहीं दिखी हमें, मतलब जिस तरह का सड़कें बनाई, आप जानते हो किसकी हैं, जो ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, यही ठेकेदार होते थे, इन्हीं की बनाई है, रोज बनाते थे, रोज उखड़ जाती थी, यही इन्हीं लोगों की बनाई हुई है। क्या क्या लगता है इनकी बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई? दम पूरा दम है, जो कह रहे हैं उसका जो है प्रमाण सहित इन्होंने अपनी बात को रखा है, और रायबरेली का विकास तो इसी परिवार ने किया, गांधी नेहरू पर, हम तो यहाँ रायबरेली छोड़ दीजिए, पूरे देश में अगर कांग्रेस के अलावा इस पार्टी ने कोई विकास किया हो, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक भी फैक्ट्री जब से कांग्रेस की सरकार गई है, आज करीब जो है 35 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, कोई भी ना एक भी कोई जो है पावर हाउस नया बना, जो है वही चल रहा, लोड बढ़ रहा। ठीक है, राहुल गांधी यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी राजनीति से आप कितना क्या समझते हैं उनकी राजनीति के बारे में? राहुल गांधी हमारे नेता हैं और उस परिवार से है, अभी आपने देखा नहीं, कहते जी लंबी पद यात्रा करके उन्होंने ये साबित किया कि हम इस देश को जानना चाहते हैं, करीब से जानना चाहते हैं, लोगों के दुख दर्द को सुनना चाहते हैं, और जब सुनने के बाद ये जो हमारा मैनोफेस्टो बना है, ये राहुल गांधी ने एक एक लोगों से बात करके, उनकी समस्याओं को सुन करके इसको जो है बनाने का काम किया। लेकिन खैर, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, नामांकन के बाद वो आए नहीं है शायद? आए थे नामांकन के बाद, भाई उनके लिए पूरा देश है, और पूरे देश में हमारे नेता हैं भी, जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी भी आ रही, राहुल जी भी आएंगे। और उनके नाम पे अभी फिलहाल कौन प्रचार वगैरह कर रहा है? नहीं, प्रचार DC जिला कांग्रेस कमेटी देख रही है, जो अभी पूरा जो है स्ट्रक्चर है वो हमारे KL शर्मा जी ने अभी कल भी मीटिंग लेकर के। अच्छा, KL शर्मा अमेठी से यहाँ पे भी आ रहे हैं? कल आए थे, उन्होंने बैठक किया, बाकायदे रायबरेली को संचालित किया है उन्होंने, तो यहाँ का भी प्रचार प्रसार अभी KL शर्मा ही देख रहे हैं। जी 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 जी, और KL शर्मा जिसे अमेठी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिसे लोग कह देते हैं, उनको एक एक गली कूचे का ज्ञान है, क्योंकि 20 साल उन्होंने अमेठी में काम किया है और रायबरेली में भी काम किया, उनको हर चीज़ के बारे में, कौन कार्यकर्ता कैसा है, कौन गली क्या है, कहाँ क्या समस्या है, वो आते रहे। आप तो मतलब कितने साल हो गए आपको कांग्रेस में रहते हुए? हमको हो गया करीब 55 साल। इंदिरा गांधी के टाइम कोई किस्सा है यहाँ के रायबरेली से जुड़ा हुआ है इंदिरा गांधी, जो आपको याद आ रहा हो? इंदिरा जी, रायबरेली से बहुत भावनात्मक लगाव था उनका, वो यहाँ के जब सीनियर लोग भी जाते थे, उस समय तो हम सब लोग बहुत कम उम्र थी, लेकिन हम उनके साथ 67 से काम किए हैं, इंदिरा जी के साथ। और यहाँ हम यूथ के भी ट्रेड यूनियन है इंटक, उसके भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो इंदिरा जी
एक्चुअल में वो लास्ट टाइम आई थी 1 अप्रैल 1984 को रायबरेली आईटीआई फैक्ट्री का क्रॉसबार का देश को लोकार्पण करने आई थी, है ना। अभी आईटीआई फैक्ट्री जाइएगा, फोन वाला बनाते थे वही, वो वाली आईटीआई फैक्ट्री जो अभी ऑलमोस्ट बंद होने के, टेलीफोन फैक्ट्री और उसी फैक्ट्री को सर्वाइव करने के लिए भाजपा सरकार के बाद जब 2004 में यूपीए गवर्नमेंट आई तो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 8,000 करोड़ रुपये दिया उसको, आईटीआई को 8,000 करोड़ रुपये दिया, जिसमें से जो पैसा 4,000-5,000 करोड़ तो उस समय आया था, लेकिन उसके बाद जो पैसा बचा था इस, अच्छा ये पैसा केवल रायबरेली के लिए आया था, पूरे आईटीआई देश के लिए हेड ऑफिस बेंगलोर है उसके लिए आई थी। तो इंदिरा जी जैसे यहाँ आती थी तो आम लोगों से मिलती थी, महिलाओं से मिलती थी, लोगों से मिलती थी, एक एक आदमी को जानती थी। वो रात को 12-12 बजे बरसात में उन्होंने मीटिंग किया है, कहने लगे उन मीटिंग में सनस्सी की बात आपको बता रहे हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ कोई घटना हो गई, एक बार ऐसे घटना हुई तो इंदिरा जी के पास गोली चल गई थी एक जगह, तो रायबरेली में, तो इंदिरा जी के पास जब खबर गई तो इतनी भावुक हो गई कि वो रोने लगी। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जब उन्होंने एक साथ दो जगह से जब वो चुनाव हार गई थी 77 में इमरजेंसी के बाद, हाँ, तो वो दो जगह से उन्होंने नामिनेशन किया था 80 में, एक मेडक से और एक रायबरेली। हाँ, और रायबरेली जीत गई थी, जीत गई थी, मेडक भी जीती थी। कितने वोटों से जीती थी रायबरेली? अब एक्चुअल काउंटिंग तो मुझे नहीं याद है, लेकिन अच्छे वोटों से जीती थी। तो जब वो मेडक नामिनेशन करने जा रही थी तो उनके साथ कल्पनाथ राय थे जो उनके साथ नामिनेशन में वहाँ ले जा रहे थे, पहले उन्होंने उनको नहीं बताया था। ये गोलीकांड जिसके लिए भावुक हो गए तो क्या था, कुछ क्या था मामला? बाय द वे टेलीफोन फैक्ट्री की ही बात है, वहाँ पे पुलिस वालों ने गोली चला दिया था जिसमें एक आदमी मर गया था जब वो टेलीफोन फैक्ट्री में काम करने, हाँ, बीएन सिंह नाम था उसका जिसको गोली लग गई थी, ख़त्म हो गया था। तो उसी में जब उनको खबर गई तो बेचारी भावुक हो गई, एकदम आँख में आंसू आ गए कि हमारे क्षेत्र में कैसे हो गया। और वो एक माँ जैसा व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ करती थी, यहाँ फ़ोटो खिंचाने में चाहे जो आदमी, इंदिरा जी इतनी बड़ी शख्सियत थी, उसके बाद हम जैसे लोगों को उनके साथ खाना खाने का मौका मिला है, तस्वीरें हैं उसकी, ये नहीं कि ऐसे हम आपसे जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, जवानी बता रहे हैं। अच्छा, कुछ तस्वीरें हो तो आप? अब तस्वीरें हैं लेकिन यहाँ तो नहीं ले, तस्वीरें हैं, ठीक है, ठीक। और वही प्रेम, वही चीज़ें हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लोगों को दिया और अपना परिवार समझा। और जब राज्यसभा की सदस्य हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं रायबरेली से अपने परिवार का रिश्ता नहीं, खत्म, अब खत्म।